सो स्टूडेंट हियर वी हैव क्वेश्चन नंबर सेकेंड फ्रॉम द सेम एक्सरसाइज एक्सरसाइज 1.5 चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम। हियर इन दिस क्वेश्चन इट इज़ टोल्ड दैट सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफिकेशन का तो आप लोगों को 8th स्टैंडर्ड में आता ही होगा, उसमें थोड़ी बहुत आइडेंटिटीज़ आती थी आपको पता हो तो, a square plus b square is equal to a square plus 2ab plus b square वगैरह वो सब कुछ आती थी, ठीक है। उसको थोड़ा बहुत रिवाइज़ करना ज़रूरी है इसमें। सो वी विल डू दिस वन हियर फर्स्ट। तो यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, इन द ब्रैकेट इट इज़ गिवन लाइक दिस वे, 3 plus root 3 इन द ब्रैकेट इज़ गिवन एंड 2 plus root 2। तो पहले हम क्या करेंगे, आपको ये पता ही होगा कि पहले हम इन दोनों का एक्चुअली मल्टीप्लिकेशन ही करना है, ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो ये जो है 3 को हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, ठीक है, फिर करेंगे ये रूट 2 के साथ, फिर ये 3 को हम करेंगे 2 के साथ, और फिर रूट 3 को करेंगे हम रूट 2 के साथ। ये आपको आता ही होगा। पर अब इस तरह के नंबर्स हैं उसको कैसे करते हैं हम देखते हैं। तो पहले मैं लिखूँगा 3 multiplied with 2, ठीक है, वो पहला स्टेप होगा हमारा, 3 multiplied with 2, ठीक है, ये हो गया। फिर आएगी ये वाली प्लस की साइन, फिर ब्रैकेट, फिर 3 को किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, रूट 2 के साथ। अब इसकी बारी, ये दोनों का ख़त्म हो गया, अब ये प्लस आएगा, देन रूट 3 मल्टीप्लाइड विथ 2, ब्रैकेट क्लोज, फिर अब इस ये है तो इसके आगे का प्लस आएगा और ब्रैकेट में हम लिखेंगे रूट 3 मल्टीप्लाइड विथ रूट 2, ठीक है। तो ये हो गया पहला स्टेप, सेटअप हो गया हमारा। अब ब्रैकेट वाइज हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 3 2 6, देन प्लस, अब 3 into root 2 होता है 3 root 2, मतलब मल्टीप्लिकेशन की साइन चली जाती है। बिकॉज हम ये जो हमने अभी आगे का क्वेश्चन जो किया फर्स्ट क्वेश्चन, उसमें क्या था, थ्री जो है वो रैशनल नंबर है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे हम इरेशनल नंबर के साथ तो आंसर आएगा वो इरेशनल होगा। सो इसको अभी यहाँ पे क्लेरिफाई करना मुश्किल है, इसलिए हम इसको इसी तरह से रहने देंगे। प्लस इसको भी कैसे लिखेंगे, 2 root 3, अब ये 2 को आगे लिख सकते हो, ठीक है, प्लस ये रूट 3 into root 2, ये हो जाएगा रूट 6, ठीक है, 3 2 6, और ये ब्रैकेट आ जाएगा, ठीक है, इस तरह से। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई कॉमन फैक्टर जैसा दिख रहा है, ये 6 होल नंबर है, इसके साथ सॉल्व नहीं होगा। यू कैन नॉट राइट 6 plus root 6 is equal to 12, ये गलत है, ठीक है, इसको भी आप सॉल्व नहीं कर सकते। सो हमारा आंसर इधर तक ही आएगा, सो दिस वन इज़ सॉल्व। सो यही हमारा आंसर हो जाएगा, 6 plus 3 root 2 plus 2 root 3 plus root 6। नाउ वी विल मूव टू सेकेंड क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन है सेकेंड क्वेश्चन, 3 plus root 3, देन 3 minus root 3। इसकी एक आइडेंटिटी आती है, वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, फिर आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे ये प्लस है, ये माइनस है, तो यहाँ पे प्लस माइनस, तो a plus b a minus b, इसकी आइडेंटिटी का सॉल्यूशन किस तरह से होगा ये तो आपको आता ही होगा, ठीक है, लेट मी राइट इट डाउन। तो ये हो गया a² - b², ये तो आपको आप लोगों ने एट्थ में पढ़ा ही होगा, उसी तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। सो लेट स्टार्ट सॉल्विंग दिस वन। मतलब पहले हम इसको स्क्वायर करेंगे, सपोज ये a है, ये दोनों a है और ये दो है वो b है। सो हम कैसे लिखेंगे, a² को कैसे लिखेंगे, 3² इसकी तरह ये कॉमन माइनस आ जाएगा, और ये b² की जगह पे लिखेंगे root 3 होल स्क्वायर। तो ये तो 3² है, मतलब कितना होगा, 3 3 9 माइनस, अब ये रूट 3 दो बार है, तो रूट 3 इंटू रूट 3 होता है सिर्फ 3, ठीक है, मतलब कि दो रूट वाले सेम नंबर होते हैं तो उसको सिंगल यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। तो root 3 into root 3 root 9 नहीं लिखना है, सो root 3 into root 3 is 3। तब आपको पता है क्या आंसर आएगा, 9 minus 3 is equal to 6। सो दिस वन इज़ आवर फाइनल सॉल्यूशन, सो दिस वन इज़ ओवर। सो वी विल मूव टू थर्ड क्वेश्चन नाउ। तो ये वाला जो क्वेश्चन है उसकी भी मैं आइडेंटिटी लिखूंगा, ये है a plus b the whole square, ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा, फिर भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे root 5 है उसकी जगह पे a है, और root 2 है वो है b है, द होल स्क्वायर। तो अब इसका एक्सपेंशन क्या होगा, लेट मी राइट इट डाउन। तो ये हो जाएगा a² plus 2ab plus b² ना। वी विल उसी तरीके से हम इसको भी एक्सपेंड करके सॉल्व करेंगे। तो अब ए स्क्वायर की जगह पे क्या आएगा, root 5 the whole square, फिर प्लस
फिर टू तो आता ही आइडेंटिटी का। अब ए कौन है यहाँ पे, रूट फाइव है तो रूट फाइव लिखेंगे हम, और बी क्या है, रूट टू है, ठीक है, प्लस अब बी स्क्वायर की जगह पे क्या आएगा, रूट टू द होल स्क्वायर। अब मैंने क्या बोला था, रूट फाइव दो बार है तो क्या होगा, रूट फाइव इंटू रूट फाइव क्या होगा, ओनली फाइव, देन प्लस टू मल्टीप्लाइड विथ रूट फाइव इंटू रूट टू, पहले रूट फाइव इंटू रूट टू क्या होगा, रूट टेन हो जाएगा वो, ठीक है। लेकिन ये दो सॉल्व नहीं होगा, आगे क्वेश्चन में हमने किया था फर्स्ट वाले में, उसी तरह से इसको करना है। अब यहाँ पे क्या आएगा, प्लस रूट टू इंटू रूट टू ओनली टू। अब यहाँ पे प्लस ये दोनों होल नंबर है, या तो फिर उसको इंटीजर बोल सकते हैं, रेशनल नंबर, तो ये दोनों ऐड हो सकते हैं, इसके साथ ऐड नहीं होंगे, तो फाइव प्लस टू, हम यहाँ पे फाइव टू को आगे ले लेंगे, टू रूट टू आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, फाइव प्लस टू क्या हो जाएगा, सेवन प्लस टू रूट टेन। सो दिस इज़ अवर फाइनल आंसर। सो आपको ये वाली आइडेंटिटी यूज़ करनी, तो आपको ये आइडेंटिटीज़ वापस एक बार रिवाइज कर लेनी है, देन ओनली यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस वन। सो लेट्स मूव टू फोर्थ क्वेश्चन। अब ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन सेम टू सेम सेकेंड वाले जैसा है, थोड़ा सा बस अलग है, लेकिन लेकिन आइडेंटिटी वही यूज़ होगी, ए माइनस बी, ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो यहाँ पे ए की जगह पे रूट फाइव है, माइनस बी की जगह पे रूट टू है, देन ए की जगह पे रूट फाइव है प्लस बी की जगह पे रूट टू है, तो ये क्या हो जाएगा, जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, उस तरह से ये हो जाएगा, वी विल राइट लाइक दिस वे, रूट फाइव द होल स्क्वायर माइनस रूट टू द होल स्क्वायर। तो रूट फाइव इंटू रूट फाइव क्या होता है, फाइव, माइनस रूट टू इंटू रूट टू क्या होता है, टू, तो फाइव माइनस टू क्या हो जाएगा, थ्री। सो आवर सॉल्यूशन इज़ ओवर, दैट्स ऑल। सो थैंक यू वेरी मच, कीप प्रैक्टिसिंग।